किसी से कम नहीं, हम किसी से कम नहीं। गाड़ी किसी की धक्के खाए कोई बनेगा लीडर। ओए होए इतराना है काम किसी का, कोई बनेगा हीरो। पर पढ़ने की बात जहाँ है वहाँ है सारे जीरो। लेकिन अब ये मंत्र हमारा, हम चुनेंगे राह सही। हम किसी से कम नहीं, हम किसी से कम नहीं। रोज रोज अब जाके स्कूल, समझ में आई अपनी भूल। पढ़ लिख कर बन सकते हैं इस बगिया के हम भी फूल। हम किसी से कम नहीं, सर इसका जवाब मुझे नहीं मालूम। डर फिल्म में शाहरुख खान को देख लिया क्या? सर हम लगे हुए हैं, हमें थोड़ा समय दीजिए, हम जवाब ढूंढ लेंगे सर। मैं बहुत कड़क टीचर हूँ। शोले फिल्म में असरानी भी बहुत कड़क जेलर था। आप लोग मेरी क्लास में किसी तरह का मजाक नहीं करेंगे, सिर्फ पढ़ेंगे। नहीं पढ़ेंगे, ये लोग इस तरह नहीं पढ़ेंगे। ज्ञान सागर जी, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? कम से कम सीसी के कारण इन लोगों ने शिक्षित होने की तरफ एक कदम तो उठाया है। शिक्षा के प्रति वो उत्साह जो मैं इन लोगों में देखना चाहता था वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। उत्साह कैसे नहीं है? हम इतने बड़े बड़े आदमियों की मीटिंग छोड़कर यहाँ आपके सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि उत्साह नहीं है। देखिए सर जी, आप ना कुछ ज्यादा ही कड़क हो रहे हैं। हमारे सर साहब ऐसे नहीं है। मैं बहुत कड़क टीचर हूँ, अब मैं आपको पढ़ा कर ही रहूंगा। आज हम मुहावरे सीखेंगे। ये जो जो बहुत हो गया है, ये कोई तेरा नया गेम है टीचर टीचर? मैं आप लोगों से कितनी बार कहूँ कि मैं जो जो क्लास के बाहर हूँ, यहाँ आप मुझे सर पुकारिए। सर आपका होमवर्क खत्म हो गया सर। आप लोगों को क्या हंसी में मजाक सूझता है? इस क्लास का मतलब आपके लिए मजाक है, इन लोगों के लिए सब कुछ मजाक है। मुझे नहीं लगता कि ये लोग ऐसे कुछ सीख पाएंगे। तो अब आप करना क्या चाहते हैं? दरअसल मैं आज इसीलिए आप लोगों के पास आया हूँ, मुझे आप लोगों से कुछ जरूरी बातें करनी। बातें नहीं होंगी क्लास में, उसे जितनी बातें करनी है क्लास के बाहर जाकर करे। ओए जो जो। अच्छा भाई सर, आप इतनी देर बगैर बातें किए कैसे रह सकते हैं? तेरे टीचरों ने तेरे साथ बुरा किया तो तू उसका बदला हमसे क्यों ले रहा? बहुत नाइंसाफी है रे। सर साहब ने आज की क्लास जोजो को देकर बहुत गलती की है। गलती आपकी नहीं है, आप लोग तो बहुत अच्छे टीचर साबित हुए हैं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने जब सतत शिक्षा केंद्र खोलने शुरू किए तो मुझे लगा कि अपने सिटी गांव में भी इसी तरह का एक शिक्षा केंद्र होना चाहिए, और इसलिए मैंने अपने फार्म हाउस में इसे खोला। दरअसल मैं चाहता था कि अपने छोटे से गाँव में जो लोग अनपढ़ हैं वो कुछ पढ़ लिख जाएं, और जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं वो कुछ उन्नति कर जाएं। लेकिन मुझे कोई खास नतीजा निकलता दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ हाँ, आप शायद सही कह रहे हैं, लाइब्रेरी का भी सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। लेकिन क्लास में तो सभी नियमित रूप से और सही टाइम पर आ रहे हैं। टाइम पर क्यों नहीं आए? घर पर कुछ काम पड़ गया था। आप तो मुझे कितना डांटते थे जब मैं स्कूल के लिए देर से उठता था, तो अब आपका देर से आना नहीं चलेगा। ओ, बेटे मैं दिल्ली का गाजर का हलवा बना रहा था, तुझे बहुत स्वाद लगता है ना? हलवा? आपने काजू तो खूब सारा डाला था ना? टीचर की टीचरी हो गई पंचर। ये क्या हलवा हलवा लगा रखा है? आप इस वक्त मेरे रामू काका नहीं है, और याद रखे मैं बहुत कड़क टीचर हूँ। ओए होए, कड़क कड़क सुन के तो मेरे कान पक गए हैं, ऐसा लग रहा है चाय का इश्तहार पढ़ रही हूँ। चुप रहिए, ध्यान मस्करी से हटाइए और गणित में लगाइए। लो मस्करा खुद मस्करी करने से मना कर रहा है। ए बिड़ो, अब उनको गणित सीखने की क्या जरूरत है? अपने बाप से तू है ना हिसाब करने के लिए जरूरत है। और अब आपने बिना पूछे कुछ भी कहा तो मैं आपसे तेरा का पहाड़ा बुलवाऊंगा। अब मैं आपसे एक आसान सा सवाल पूछता हूँ। एक पेड़ पे चार चिड़िया बैठी थी,
उसमें से दौड़ गई, फिर तीन आकर बैठ गई और उसमें से एक उड़ गई, तो पता ही है कितनी चिड़िया बची। हाँ रामू काका आप बताइए। एक पेड़ पर चार चिड़िया, दो उड़ गई, तीन बैठ गई, ये भी कोई सवाल है? ये तो बिल्कुल गलत सवाल है। सवाल एकदम सही है, आप बस जवाब दीजिए। मुझे तो नहीं आता। ओहो रामू काका, आपको तो कुछ नहीं आता है। अब मुझे कुछ नहीं आता? भूल गए जब वो निक्कर में तुम पॉटी करते थे तो कौन साफ करता था? रामू काका आप भी कहीं भी शुरू हो जाते हैं। अरे नहीं नहीं बोलिए ना काका, हम अपने नए सर के बारे में और सुनना चाहते हैं। भूल गए क्या? मैं बहुत कड़क टीचर हूँ, लगता है अब मुझे सख्ती करनी पड़ेगी। नहीं नहीं अब सख्ती से कुछ नहीं होगा। मुझे इन लोगों को शिक्षा के प्रति उत्साहित करने के लिए कुछ और करना पड़ेगा। कल क्या कह रहा था क्लास में? मैं बहुत कड़क टीचर हूँ। आप उनके स्कूल का बच्चा लोग हैं? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने ऐसे कब कहा, आप तो स्कूल के बच्चों से भी कम है। ओए होए, सर साहब ने इसे एक दिन क्लास लेने की इजाजत क्या दे दी, ये तो अपने आप को शेर समझ रहा है। अरे आपने तो कल की क्लास भी नहीं की, फिर भी मुहावरा का प्रयोग कर लेते हैं। वाह जो भाई जोजो, तेरी एक ही क्लास में हम सब कुछ सीखे हैं क्या? अरे अभी तुझे पता ही क्या है, हमें तो बड़े बड़े विद्वान मानते हैं, बड़े बड़े स्कूलों में हमें भाषण देने के लिए बुलाया जाता है। अरे वो तो अरे ओ डक्कन गुरु चुप करो, तुम्हारे मरने के बाद एक स्कूल बनवा देंगे। स्कूल में भी मैं ही पढ़ाऊंगा, छोकरा और बातें बड़ी बड़ी। ए जोजो रामू काका आ गए। वैसे एक बात माननी पड़ेगी, रामू काका इस उम्र में भी स्कूल में पढ़ने आते हैं। अरे जब देवानंद इस उम्र में पिक्चर बना सकता है तो रामू काका पढ़ भी नहीं सकते क्या? देखिए मेरे रामू काका के बारे में ऐसा वैसा कुछ मत कहिए। रामू काका के बारे में किसने उल्टा सीधा कहा भाई, वो हमारे भी तो काका है। हम सोच रहे हैं कि रामू काका को इस उम्र में पढ़ाई की सूझ ही कैसे? अरे जब इस उम्र में जो जो को पढ़ाने की सूझ सकती है तो रामू काका को पढ़ने की नहीं सूझ सकती। वो क्या है ना, जब मैं छोटा था तो रामू काका मुझे स्कूल भेजते थे, अब मैं बड़ा आ गया हूँ तो अब मैं उन्हें स्कूल भेजता हूँ, और आप लोगों को पता है इससे मेरा कितना फायदा हुआ है। रामू काका पढ़ने जाते होंगे और तू घर पे कोहराम मचाता होगा। अरे यार ये फायदा नहीं, फायदा तो मुझे ये हुआ है कि दादाजी के लिए चिट्ठी न्यूज़पेपर वगैरह वगैरह मैं नहीं पढ़ता, रामू काका पढ़ते हैं। ये है आजकल के बच्चे, बड़ों का काम भी नहीं करना चाहते। अरे नहीं भाई, दादाजी तो बहुत प्यारे हैं, पर पहले हर समय बुलाते रहते थे, कभी ये पढ़ो कभी वो पढ़ो, मैं जैसे ही अपना फेवरेट कार्टून देखने बैठता वैसे ही जोजो बेटा। पर अब तो रामू काका मेरी मदद करते हैं। अरे ज्ञान सागर जी नमस्कार। नमस्ते। आप यहाँ कैसे? बस यूं ही, मैंने सोचा आप लोगों से बातें करता चलूं। हमें बुला लिया होता। नहीं ऐसी कोई खास बात नहीं, मैंने सोचा चलो पूछता चलूं कि कल आप लोगों की क्लास कैसे रही, क्यों जोजो कल क्या क्या सीखा आप लोगों ने जोजो से? सर साहब से एक बात कहने का है, सर साहब आपको जो अपुन के साथ करना है तो कर लेना, पर कल से जोजो को क्लास लेने का इजाजत नहीं देना। वो कोई क्लास थी ना जी ना, ऐसा लग रहा था अंग्रेजी हुकूमत फिर से चालू हो गई है। बेटा जोजो, ऐसा भी क्या कर दिया तुमने? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो इन्हें इतना पढ़ा दिया ये कभी भूलेंगे नहीं। हाँ वैसे तो भूलना भी नहीं है भाई, अगर भूल गए तो तू दोबारा क्लास ले लेगा। क्या हुआ? अरे पता नहीं ज्ञान सागर जी को क्या हो गया है। हिंदी फिल्मों में तो ऐसा तब होता है जब हीरोइन अपने बाप की मर्जी के खिलाफ किसी और के साथ भाग जाती है। ज्ञान सागर जी की बेटी है क्या? ये पंचर, कभी तो सिनेमा के पर्दे से बाहर आने का। अपुन इतने साल मुंबई में टैक्सी चलाया पर अपुन को इतना बुखार कभी नहीं चला फिल्मों का। ओए होए, मेरी तो जान ही निकल के हाथ पे आ गई थी जब ज्ञान सागर जी को दर्द उठा था। पता नहीं क्या हुआ है, डॉक्टर साहब तो बड़ी देर से अंदर है। से सुंदर फिल्म में भी डॉक्टर बिल्कुल ऐसे ही सूरत बनाकर बाहर निकला था और जितेंद्र से बोला था माँ और बच्ची में से सिर्फ एक को ही बचाया जा सकता।
तुम्हें तो बचाया भी नहीं जा सकता। पता नहीं डॉक्टर साहब ने क्या बोला, मेरा तो दिल घबरा रहा है। क्या हुआ रामलोचन जी, डॉक्टर साहब ने क्या कहा? ये उनका तीसरा दिल का दौरा था और डॉक्टर साहब ने भी जवाब दे दिया है। पर ये अचानक एकदम से कैसे हो गया? अचानक नहीं तो क्या दिल का दौरा बता कर आता? क्यों रामलोचन जी, अब क्या होगा? बस खाने में परहेज करने को कहा है और बिस्तर पे आराम करने को कहा है। क्या हम ज्ञान सागर जी से मिल सकते हैं? हम काफी परेशान हैं। नहीं नहीं, उन्हें अभी परेशान करना अच्छा नहीं होगा, वो अभी आराम कर रहे हैं। ओए होए, तो हमें कौन सी बड़ी जल्दी है, हमारी कौन सी गाड़ी छूटी जा रही है, बाद में मिल लेंगे। मुझे तो लगता है ज्ञान सागर जी का आखिरी वक्त आ गया। जब तेरा हॉर्न बजता है तो उसमें तो फटेली आवाज निकलती है। मैंने बहुत सी फिल्मों में देखा है, तीसरे हार्ट अटैक के बाद कोई नहीं बचता। बात बताओ हरिया, तुम चुप नहीं रह सकते? नहीं, मुझे लगता है हरिया ठीक कह रहा है। देखा देखा, ओए इसका क्या मतलब हुआ भाई? मतलब ये कि ज्ञान सागर जी की उम्र अब काफी हो चुकी है और उनकी तबीयत भी ज्यादा खराब रहने लगी है। तो ये आखिरी झटका हो सकता है। ओए होए, ज्ञान सागर जी तो बड़े अच्छे आदमी हैं। हे भगवान, उनको उठाने से अच्छा है मुझे। नहीं नहीं, इनमें से किसी को उठा लेना, वैसे भी ये कोई काम के आदमी नहीं है। नहीं नहीं, हमें तो अभी बहुत काम करना है, हमें तो देश का भविष्य बनाना है। पर तुम लोगों ने एक बात तो सोची नहीं। कौन सी बात? कि ज्ञान सागर जी ने सीसी क्यों बनवाया? क्योंकि वो हम सबको पढ़ा लिखा देखना चाहते हैं। हाँ, पर क्यों पढ़ा लिखा देखना चाहते हैं? क्योंकि वो लोगों को शिक्षा की अहमियत समझाना चाहते हैं। हाँ, पर क्यों समझाना चाहते हैं? तुम लोग कोई नया खेल खेल रहे हो क्या? संतराम सवाल पूछता है और आप सब उसे जवाब देते हैं। ए संतराम, मुझसे भी सवाल पूछना। पता नहीं इसको कब अक्कल आएगी। अपुन ही बता देता है, वो सबको शिक्षित इसलिए करना चाहते हैं कि ज्ञान सागर जी को अपना उत्तराधिकारी चुनना है। हाँ संतराम, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लगता है अब वो समय आ गया है। ओए होए, किसको चुनेंगे? अरे ये तो बिल्कुल इलेक्शन जैसा माहौल बन गया। तुम लोग क्यों हवा में महल बना रहे हो? अरे अभी हो सकता है ज्ञान सागर जी पहले जैसे ठीक ठाक हो जाए। हाय रब्बा, ये हम सब कैसी बुरी बुरी बातें सोच रहे हैं। ज्ञान सागर जी को भला क्यों कुछ होगा, वो एकदम ठीक हो जाएंगे। भगवान करे तुम्हारी बात ठीक हो पिंकी। क्या बात है नेताजी, आज तो बड़े भीड़ इकट्ठा कर रखी है। नोटिस बोर्ड पर लिखा है कि ज्ञान सागर जी ने अपना उत्तराधिकारी चुनने का फैसला कर लिया है। तुमको पहले ही बोला था ऐसा ही छोएंगा, पर तुम लोग अपुन का बात ही नहीं माना। पर अब क्या होगा? होएगा क्या, अपुन तो है सबसे बेस्ट, तो ज्ञान सागर जी अपुन को ही चुनेगा, फिर तू और मैं एकदम बिंदास मौज करेंगे। जरा इस शेख चिल्ली की बातें तो सुनो। अरे मेरे होते हुए ज्ञान सागर जी तुझे क्या चुनेंगे? अरे आप लोग तो बेकारी बहस कर रहे हैं, अब भला हम जैसी बड़ी हस्ती के होते हुए कोई किसी की तरफ देखेगा भी क्यों? भाई आप लोग तो यूं ही खिचड़ी पका रहे हैं। ज्ञान सागर जी ने जो प्रतियोगिता आयोजित करवाई है, जो उसमें सबसे अच्छा होगा ज्ञान सागर जी उसी को अपना उत्तराधिकारी चुनेंगे। प्रतियोगिता बोले तो? अब भैया ये तो नहीं लिखा है। लेकिन प्रतियोगिता के लिए तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। हाँ हाँ, तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। पर भाई जब यही नहीं पता कि प्रतियोगिता कैसी है तो तैयारी क्या करें? भाई ज्ञान सागर जी हमेशा पढ़ाई लिखाई के महत्व पर जोर देते हैं, तो हमें तो लगता है जो पढ़ाई लिखाई में सबसे अच्छा होगा उसी को ज्ञान सागर जी अपना उत्तराधिकारी चुनेंगे। ओए होए, ये तो बड़ी प्रॉब्लम है। भाई मैं तो चलता हूँ घर, घर जाके तैयारी भी तो करनी है, चलो रे। एकदम चकाचक बनने के लिए तो आप उनको बहुत पापड़ बेलना पड़ेगा। हमको तो किसी भी तैयारी की जरूरत नहीं है, हमें देखकर तो बड़े बड़े। अरे ये सब कहां गए, लगता है सब तैयारी करने लगे। अब हमको भी कुछ करना चाहिए। हरिया तू क्या कर रहा है? कि तुम यहाँ कैसे? हाँ जरूर, मैं अमिताभ बच्चन की फोटो देख के जगा होगा। तेरी तैयारी कैसी चल रही है रे? बिल्कुल अच्छी है, बस तुम अपने पिताजी को मना लो। अरे प्रतियोगिता की तैयारी? वो
वो तैयारी मैं क्यों करूँ? प्रतियोगिता की तैयारी तो वो करेंगे जिनको प्रतियोगिता करानी है। ओए तू तो बड़ा पागल है। पिंकी तुम प्यार से मुझे चाहे जो कह लो, दीवाना, आशिक आवारा, प्रेम पुजारी, मगर मुझे सिर्फ तुम्हारी आराधना करने में ही आनंद आता है। ऐसे तो एक बात ढंग से नहीं कर सकते। मैं पूछ रही थी कि प्रतियोगिता की तैयारी कैसी चल रही है। अच्छा वो, हाँ वो तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। तो बता ना तूने क्या पढ़ाई करी। ये देखो, ये भी कोई पढ़ाई है? यही पढ़ाई है। मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो क्या होता है कि जब तुम शुरू में पढ़ना करती हो, कोई जरूरत नहीं है। पहले पता होता कि तू ये सब फिजूल की चीजें पढ़ रहा है तो मैं बैठ के तेरे साथ अपना वक्त नहीं बर्बाद करती। चल। अरे वाह, फूल बने अंगारे। मगर मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, खुदा गवाह है। ये झूठ मैंने तुम्हारे भले के लिए बोला। फिल्मों में जैसे हीरोइने हीरो के भले के लिए किसी और से प्यार का झूठा नाटक करती है ना, वैसे ही ये सब भी मैंने जानबूझकर किया है ताकि तुम चुनी ना जा सको और वो संतराम तुम्हारा उल्लू ना बना सके। बेटा सीसी यही है ना। क्यों बाहर बोर्ड नहीं पढ़ा क्या? अब बेटा इस उम्र में इन आंखों में वो रोशनी कहाँ? किससे मिलना है? वो बेटा मिलना तो किसी से नहीं था, पर मैंने सुना है यहाँ प्रतियोगिता हो रही है। हाँ प्रतियोगिता हो रही है, एक अमीर आदमी ये प्रतियोगिता करवा रहा है, मगर तुम्हें इससे क्या मतलब? नहीं मतलब तो बेटा मुझे कुछ नहीं था, मैं तो बस यूं ही चला आया था, लेकिन इनाम क्या है? इनाम में जीतने वाले को वारिस चुना जाएगा। वारिस फिल्म में जैसे स्मिता पाटिल कुलभूषण खरबंदा के लिए वारिस का जुगाड़ करती है ना, वैसे ही यहाँ भी वारिस का जुगाड़ किया जा रहा है। वारिस फिल्म देखिए क्या, बड़ी धांसू है। नहीं बेटे फिल्म तो मैंने नहीं देखी, पर किस्मत तो आजमा ही सकता हूँ ना। वाह दद्दू, इतने बूढ़े हो गए पर महलों के ख्वाब देखना नहीं छोड़ा है। यहाँ किस्मत नहीं दिमाग काम आता है। क्या मतलब बेटा? मतलब ज्ञान सागर जी उसे ही अपना वारिस चुनेंगे जो पढ़ने में सबसे ज्यादा होशियार हो। पर तुम्हें कैसे पता? अब जैसे सबको पता। पर बेटा तुम इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रहे हो क्या? लगता है तुम्हारी नजर कमजोर है। क्या मतलब? मतलब ये तैयारी नहीं तो और क्या है? पर बेटा ये तो फिल्मी किताब है, इससे क्या? तो यही तो होशियारी की बात है। सारे लोग एक तरह की पढ़ाई कर रहे होंगे, मगर मैं सबसे हटके हूँ। क्या मतलब? मतलब दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है ये तो सबों को मालूम होगा, मगर अक्षय कुमार का किसके साथ अफेयर चल रहा है, करीना कपूर की किसके साथ शादी होने वाली है और अभिषेक बच्चन किसके साथ घूम रहा है ये सिर्फ मुझे मालूम है। देखा है ना किडनी का कमाल। रे बीड़ू काहे को भाव खा रहा है? अपुन ने तेरा कितना सारा काम किया, तू एक छोटा सा काम कर देना। नहीं नहीं मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ, मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। अपुन तेरे को आइसक्रीम खिलाएगा। जितनी मैं जाऊँ? हाँ। नहीं। अपुन तेरे को बहुत सारी चॉकलेट भी देगा। नहीं नहीं कभी नहीं। अपुन तेरे को गाड़ी में बिठा के कॉलोनी का चक्कर लगवाएगा। कुछ दम नहीं है। देख जोजो अभी अपुन का आखिरी ऑफर है, वो तेरा गेम है ना जो तुझे बहुत पसंद है, अपुन को एकदम पसंद नहीं है, वो अपुन तेरे लिए एक हफ्ते खेलेगा। डन। अब तेरे अंदर की अच्छाई कहाँ चली गई? अपुन ने जैसे ही तेरे मतलब का बात किया तू फट से तैयार हो गया। तुम प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रहे हो क्या? काई को शकल से क्या अपना बैटरी डाउन लगता है? नहीं मैंने सोचा कि तुम बच्चों के साथ खेल रहे हो इसलिए। ए, अपुन खेल नहीं रहा है, अपुन प्रतियोगिता की तैयारी कर रहा है। समझा नहीं। ए जोजो एक ढक्कन प्रतियोगिता की तैयारी कर रहा है, समझा दे अपुन का मतलब क्या है। ढक्कन जी ये आप क्या कर रहे हैं? तैयारी मतलब संसद में बोलने की। पर आप वहाँ क्यों बोलेंगे? अरे जब हम चुनाव में जीतेंगे तो वहाँ तो बोलना ही पड़ेगा ना, तुम नहीं समझोगे। मैं सब समझ रहा हूँ पर आप कुछ नहीं समझते।
ओ संतराम बदमाश वहाँ पढ़ पढ़ के बेहाल हो रहा है और आप है कि फिजूल के काम में लगे हुए हैं। पर तुम ये सब हमें क्यों बता रहे हो? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो उस प्रतियोगिता में ना चुना जाए, उससे मेरी लड़ाई होगी। हम नहीं मानते। मैं तो आपके पास ये सोच के आया था कि आप अच्छे और बुद्धिमान हैं, पर खैर। रुको, जोजा रुको, तुम तो बुरा मान गए, तुम हमारे बारे में बिल्कुल ठीक सोचते हो। चलो एक काम करते हैं, आप ये जो पढ़ रहे हैं ये मुझे दे दीजिए, मैं बाकी लोगों की तैयारी से मिलाकर देख लूंगा कि उसमें कुछ ज्यादा तो नहीं है जिससे आपका फायदा हो। हाँ तुम ठीक कहते हो, ये लो, लेकिन होशियारी से, किसी और को खबर ना हो। आप फिक्र मत करिए, किसी को हवा भी नहीं होगी। शाबाश, जो जो ढक्कन को टोपी बना के आ रहा है, ये लो और कल मेरी फीस पहुंचा देना। हाँ ठीक है, तो आप समझे कैसी चल रही है अपन की तैयारी की तैयारी। तरकीब तो अच्छी लगाई है, लेकिन बाप अपन की एक बात समझ में नहीं आई। अपन तुमसे इतनी देर से बातें कर रहा है, अपन ने अपनी सारी तैयारी के बारे में भी तुमको बता दिया, लेकिन बाप तुम है कौन? मैं भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आया हूँ। इसे कहते हैं सिर पर सवा सिर, इसका मतलब याद है ना, क्लास में बताया था। बेटा मुझे आने में देर तो नहीं हुई, मेरा मतलब अभी प्रतियोगिता शुरू तो नहीं हुई ना? क्यों दद्दू, अभी भी इरादे मजबूत लग रहे हैं? अरे बाबा घर जाओ, एक पैर कब्र में लटक रहा है फिर भी रेस में भाग लेने आ गए, विंटेज कार रैली नहीं है। आप इतनी दौलत का क्या करेंगे? अरे मैंने सब सोच लिया है, सबसे पहले तो मैं एक मकान बनाऊंगा, फिर एक गाड़ी लूंगा और फिर शादी करूंगा। आप तो बड़ी रंगीन तबीयत के हैं। पर इस 1857 की पुरानी मॉडल को लेगा कौन? क्यों
ज्ञान सागर जी नहीं नजर आ रहे, कहीं उनकी रील बीच में ही तो नहीं कट गई? चुप करना स्पीटर। लगता है आप सब लोगों को प्रतियोगिता में भाग लेने की काफी उत्सुकता है। कहाँ आयोजित हो रही है ये प्रतियोगिता? आयोजित हो रही है नहीं, प्रतियोगिता तो हो चुकी। पर हमें तो पता चला प्रतियोगिता आज होने वाली है। गलत, आज तो परिणाम घोषित होने वाले थे। इतनी देर से ज्ञान सागर जी परीक्षा ही तो ले रहे थे। ओए, कैसी परीक्षा? उन्होंने आपसे कहा था कि वो अपना उत्तराधिकारी चुनेंगे। उन्होंने बिल्कुल सच कहा था, लेकिन जैसा उत्तराधिकारी आप लोग सोच रहे हैं वैसा नहीं। बोले तो क्या मतलब? ये मतलब तो आप खुद ज्ञान सागर जी से पूछ लीजिए। पर वो है कहाँ? वो यहीं हैं, आपके बीच। ज्ञान सागर जी, मैंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। जब मैं छोटा था तो सिटी गांव छोड़कर शहर चला गया। वहां जाकर मैंने पेट पालने के लिए कई छोटे मोटे काम किए, और जब निराश हो गया तब मैंने पढ़ाई शुरू की, और उस दिन से आज तक कभी मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मतलब आप शुरू से पढ़ा लिखे नहीं थे? नहीं, और इसलिए मैं चाहता था कि आप लोग शिक्षा के महत्व को समझें। मेरा उत्तराधिकारी वही बनता जिसमें पढ़ने लिखने की लगन होती, जो जीवन के लक्ष्य को समझता। ये सतत शिक्षा केंद्र तो मेरे सपनों को साकार करने का एक तरीका था। पर आपकी तो तबीयत खराब थी, इसलिए आपको अपना वारिस चुनना था? वो सिर्फ एक बहाना था। असल में मैं आप लोगों को शिक्षा के प्रति उत्साहित करना चाहता, लेकिन मैं अपने लक्ष्य में कामयाब नहीं हो सका। क्या नहीं पाटिंकर साहब, ये लोग मेरी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे, नहीं उतरे। ओए होए सर, आप तो इमोशनल हो गए। मैं वादा करती हूँ मैं करूँगी आपका सपना पूरा। आपने हमारे लिए इतना कुछ किया, क्या हम आपके लिए इतना भी नहीं कर सकते? और मैं भी आपके सपने को पूरा कर दूंगा। अपुन भी, आज शपथ। हम भी, हम किसी से कम नहीं। सेटिंग वाला फंडा थोड़ा बदल गया है। अनपढ़ नहीं रहेंगे यारो, हमने सोच लिया है। घूम गया है भेजा अपना, सब कुछ पड़ जाए।